Sushma wants to know that she is 60 years old. क्या knee का cartilage फिर से generate हो सकता है? देखिए पहली बात, जब regeneration की बात करते हैं तो there are many 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 factors which control regeneration. मगर regeneration जब तक इंसान की death नहीं होती तब तक होता है. ठीक है, जब तक इंसान की डेथ नहीं होती तब तक रीजनरेशन चलता है. मे बी अ लिटिल वीक, अगर उसको बढ़ा सके तो आप बढ़ा भी सकते हैं. कितना बढ़ा सके आपके ऊपर डिपेंड. किसी भी एज में आप रीजनरेट कर सकते हैं, बट क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि उतना जा सकते हैं. बट एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर आप अपने बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो कार्टिलेज घिस गया है तो भी आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी. रीजनरेशन तो होगा ही, बट मे बी इट माइट हैपन स्लो इन ओल्ड एज. 60 वैसे कोई ज्यादा साल नहीं है, ये मत सोचिए 60 की उम्र ज्यादा नहीं होती. वो तो हम आप सोचने लग गए. नहीं नहीं नहीं, 60 की उम्र कोई ज्यादा नहीं होती. यू कैन बी हेल्दी टिल यू लिव. सो कैन यू डू रीजनरेशन एट दिस एज? 100%. बट मैं क्या कहूं कि कितना टाइम लगेगा आपको रीजनरेशन के लिए? ज्यादा टाइम भी लग सकता है, पर एक तो बात है आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी. इज दैट गुड एनफ? क्योंकि जॉइंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी. इज दैट गुड एनफ? वही तो चाहिए आपको, है ना, वही तो चाहिए आपको. सो इफ वी क्रिएट द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी इट डजंट गिव यू प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट वी वांट. नेक्स्ट महेश सर सेइंग दैट ही सफरिंग फ्रॉम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कैन इट बी क्योर्ड? You can call your disease by any name. Ankylosing spondylitis. किसी ना बैठ के टेबल पर बैठ के लिख लिया, आप वही बोले जा रहे. What is your problem? आप उसको समझे ना, आप उसको समझे. आप ankylosing spondylitis के बजाय आप ये कहें कि मुझे ना ये problem होता है. Because your body is the best diagnosis. Your body is the best diagnostic equipment which give you indicators. तो कोरोना हुआ, कोरोना होते ही पहली चीज क्या होती? स्वाद चला जाता है ना, स्वाद जाता. मतलब do you understand? स्वाद जाने का मतलब क्या होता? Please do not eat. अगर आप शरीर को पढ़ना शुरू करेंगे you have always have a solution. बट हम तो खाते ही रहते हैं. इफ यू डू नॉट ईट इन कोरोना एंड फीवर बढ़ रहा है ना, फीवर विल किल द वायरस. हाई टेम्परेचर विल किल द वायरस. 5 degree राइज इन टेम्परेचर कैन किल एनी डैम वायरस. मगर आप फीवर होते ही क्या खाते हैं? आप तो काम ही नहीं करने देते अपने शरीर को, आप उसको काम ही नहीं करने दे रहे. ब्लड प्रेशर बढ़ता है कुछ चीज हैंडल करने के लिए बॉडी में, आप उसको कम कर देते और इसी वजह से मिसकैरेज हो जाता. अभी हमारा एक गर्भाधान का प्रोग्राम से एक लेडी कंसीव करी, उसको ऐसी दवाइयां खिला दी कि मिसकैरेज. सो ये ना सोचें कि आपको जो बोला जा रहा है सच. अगर लोग समझदार होते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना. अगर समझदार होते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती ना. प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, इसका मतलब समझदार नहीं है. तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हैज आल्सो अ कोरिलेशन, क्योंकि आपको बताया गया होगा देयर इज अ नैरेटिव व्हिच हैज बीन क्रिएटेड. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसा शब्द सुना है ना आपने? क्या होता है ये? क्या होता है ये? सपोज कीजिए मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत आसान है समझना. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एज एन इंडियन यू आर इंटेलिजेंट पीपल, बट आप बेवकूफ लोगों के गुलाम हो गए. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता? सिंपल, इनहेलेशन से रीजनरेशन होता, एक्सहेलेशन से डिटॉक्स. ये अभी फॉर्मूला बताया मैंने. इनहेलेशन कम हो गया तो रीजनरेशन नहीं होगा, रीजनरेशन नहीं होगा तो आपका बॉडी रिस्क में आएगा. यस और नो? Because your body is intelligent. तो risk को mitigate कैसे करता है? वो देखता है खतरा आ गया तो वो क्या करेगा? Immune system को बढ़ा देगा, क्योंकि लड़ना है ना, खतरा आ गया,
सो इम्यूनिटी विल गो हाई, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, WBCs बढ़ जाएंगे, काउंट देखोगे बढ़ जाएंगे, मगर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि देर इज अ रिस्क इन द बॉडी। मगर जब वो बढ़ भी जाएंगे उनके काम करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, देन दे विल कम डाउन। सो आप ये कंडीशन बार बार क्रिएट करो, अप डाउन, द होल इम्यून सिस्टम विल गेट कंफ्यूज। इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कह रहे ना, उसको रिस्क ही पता नहीं चल रहा कि आप रिस्क क्या क्रिएट कर। आप न्यूज चैनल देखते हो आपका इम्यूनिटी ऊपर हो जाता है, आपको न्यूज में बताते हैं कोरोना कोरोना कोरोना, ये सरकार गिर गई, देखो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, फिर वो कम आ जाएगा। आप एग्जाम देने जाओगे आपको पता ही नहीं क्यों एग्जाम दे रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, कब इस्तेमाल किया आपके ना, आप बहुत समझदार, ये कह रहा हूं समझदार, आपका बॉडी को मालूम है ये क्या फालतू की चीज कर रहे हैं, तो उसका रिस्क हाई हो जाता है। एड्रीनल फटीग भी कहते हैं इसको, एड्रीनल ओवर एक्टिविटी भी कहते हैं। तो आप तो क्रिएट कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, फिर कहते हैं जी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, तो कम से कम क्रिएट करें तो अपने को झेलने लायक तो बना लो। अरे बाबा, इसके बावजूद भी तो कई लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो झेल पा रहे हैं, आप नहीं झेल पा रहे। कम से कम बैलेंस बनाने का स्ट्रेंथ तो बढ़ा दो अपने, आपको एक टांग पर खड़े कर लीजिए। हाउ डू यू बैलेंस? By holding your breath, किसी को बोलो धक्का देने के लिए। How do you get in balance? By holding your breath. कुंभक के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो कुंभक आपके ही बॉडी का स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म है, बैलेंस क्रिएटिंग मैकेनिज्म है, रिदम क्रिएटिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेंथ बैलेंस एंड रिदम, भाव राग ताल भारत, आपके तो देश के नाम में ही हेल्थ है। ये तीन चीज आप बना लीजिए, स्ट्रेंथ बैलेंस एंड रिदम, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, मगर वो भी करने के लिए कुंभक करना पड़ेगा साहब, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये बॉडी को आप सपोर्ट दो, ये बॉडी सब कुछ कर सकता, आपको निकाल सकता। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक करना है, दवाई से नहीं होगा, बट योर बॉडी हैज द एबिलिटी टू करेक्ट इट। बहुत ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो गए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये करना है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी करेक्ट करना है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइट स्पॉन्डिलोसिस को भी अगर आपको ठीक करना है, और आईटीएस व्हाटएवर इट इज, तो आपको कुंभक करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल 100%